एंड वेलकम टू सीरीज आईटी स्किल्स। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पार्ट टू। जी हाँ दोस्तों, पार्ट वन के पहले सीरीज में हमने देखा था कि हम लेजर कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और सिमिलर वे लेजर को कैसे इंपोर्ट करते हैं। पार्ट वन में हमने देखा कि हाउ टू एक्सपोर्ट एंड हाउ टू इंपोर्ट योर लेजर्स। हम पार्ट वन के ही कंटिन्यूएशन पार्ट में जा रहे हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे दिया है गेट डेटा। ये वो कंपनी है जिसमें कुछ नहीं था, बट इस कंपनी में हमने इंपोर्ट करके सारा डेटा यहाँ पे लाया है। दैट इज सारे लेजर्स हमने ले लिए, करेक्ट, और सारे लेजर के साथ में सारे इन्वेंट्री के ऑप्शंस भी हमने ले लिए। अब गाइज हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शंस। गाइज आप चेक करना चाहते हो तो आप डे बुक में जाके देखो, ट्रांजेक्शंस मेरा ब्लैंक है। कोई भी डेट डालो, यू विल नॉट गेट एनी एंट्री। अब आप चाहते हैं कि वो सारा ट्रांजेक्शन भी आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं वापस चलता हूँ माई डेटा। क्या माई डेटा में कोई ट्रांजेक्शंस है? यस गाइस, ये आपको चेक करना होगा। अगर आपके माई डेटा में, आपका एक्चुअल कंपनी में कोई डेटा है, मैं इसे ऑल्ट एफ2 करता हूँ सो दैट वी कैन सी ऑल द डेटा। यस आई कैन सी ऑल द डेटा। आप देख सकते हैं ये सारा डेटा यहाँ पे है। अगर यहाँ पे है तो ही आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चलिए गाइज, ये सारा डेटा मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो स्टेप्स क्या यूज़ करेंगे, वी विल फॉलो द स्टेप्स। अब मैं सबसे पहला स्टेप यूज़ करने जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट। कहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा गाइज? वो कंपनी में जाना होगा जहाँ पे एक्चुअल डेटा है। तो एक्चुअल डेटा कहाँ पे है मेरे पास? एज वी नो दैट मेरा एक्चुअल डेटा माई डेटा में। सो माई डेटा में हम जाते हैं, आई रिपीट, माई डेटा में जाते हैं और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद लास्ट टाइम हमने लिया था मास्टर, अब मैं ले रहा हूँ ट्रांजेक्शन। गाइज सेटिंग वो सेम है जो हमने लास्ट टाइम किया था, तो मैं सेटिंग में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा चलता हूँ यहाँ पे सेंड बटन के पास। जी हाँ, अगर आपको कोई सेटिंग में चेंज करना है, जैसे कि फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, या अदरवाइज कोई डेट में चेंजेस करना चाहते हैं, यस मैं डेट में चेंज करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और यहाँ जाने के बाद आप इसे एरो से कर्सर को यहाँ पे लाना, एंटर प्रेस करके यहाँ पे डेट चेंज कर लो। सर कब तक का डेटा लाना चाहते हैं आप? सर मैं 1 मई 2021, मतलब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल और एंड होगा 1 मई 2021। सर ये आपकी रिक्वायरमेंट है? हाँ जी ये मेरी रिक्वायरमेंट है। क्या नाम रखना है? transaction.xml? यस सर, transaction.xml, कंट्रोल ए, दैट्स अ सेव एंड क्लोज। नाउ अब मैं चाहता हूँ ये डेटा सेंड करना, तो हाँ जी गाइज क्लिक कर देना है सेंड पे। बट याद रहे, अगर आपने पहले ट्रांजेक्शन नाम यूज़ किया होगा तो गाइज ये ओवरराइट करने के लिए पूछेगा। यस अब ये पूछ रहा है ओवरराइट, इसका मतलब ऑलरेडी ये ऑप्शन एक बार हमने पहले ट्राई किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ यस, या तो आप उसका नाम चेंज कर लो सर, तो भी चलेगा सर। नाउ अब हमने देखा यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी आ चुका है, transaction.xml। सर इसके अंदर का कुछ डेटा देखना चाहते हैं? नॉट पॉसिबल, आप डायरेक्टली जाइएगा कहाँ पे? टैली में। अब टैली में जाने के बाद मुझे वो डेटा चाहिए, तो हम सिंपली चलते हैं गेट डेटा। जी हाँ, गेट डेटा में अभी तक आपके पास ब्लैंक है, कोई डेटा नहीं है, बट मुझे तो वो डेटा चाहिए। यस आप डेटा लाने के लिए इम्पोर्ट। कहाँ से डेटा लाना चाहते हैं सर? ट्रांजेक्शन से लाना चाहते हैं। क्या नाम रखा था आपने उस फाइल का सर? transaction.xml। तो आपको क्लिक करना होगा transaction.xml। सर कैन आई चूज एनी अदर ऑप्शन? सॉरी, अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे तो इट मे नॉट अप्लीकेबल, बिकॉज आपने यहाँ पे transaction.xml बनाया, तो ट्रांजेक्शन ही लेना पड़ेगा। एंटर करते हैं, ये पूरा स्टेप्स कंप्लीट हो गया। अब मैं क्रॉस ऑडिट करने के लिए चलता हूँ अपने डे बुक के पास, और डे बुक में आप देख सकते हैं मुझे एक लेजर दिखाई दे रहा है, बट सर मेरी एक्चुअल कंपनी में एक लेजर नहीं था, और भी सारे लेजर थे। ऑल्ट एफ टू प्रेस करनी है, डेट चेंज कर लो एंड यू विल सी ऑल द डेटा ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 मई। सो गाइज नाउ वी हैव सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड द डेटा फ्रॉम माई डेटा कंपनी टू गेट डेटा कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी इसी तरह का की कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप भी अपने कंपनी में डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। अब डेटा एक्सपोर्ट करने के बाद यू कैन परफॉर्म योर बेसिक स्टेप्स, जो भी आप स्टेप्स करना चाहते हैं वो स्टेप्स कर सकते हैं, या अदरवाइज आपकी कंपनी में कोई जूनियर अकाउंटेंट है जिसे आप सैम्पल एंट्री के लिए देना चाहते हो, या नया कोई फ्रेशर आया हुआ है जिसको आप एंट्री रेफरेंस के लिए देना चाहते हो, तो यू कैन गिव इट एज ए सैम्पल एंट्री। सर आप इस कंपनी में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सैम्पल एंट्री को रेफर कर सकते हैं। गाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फील फ्री टू राइट ऑन द कमेंट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग सो प्लीज डू योर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज ओनली मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ, पहले समझिएगा, समझने के बाद प्रैक्टिस करिएगा। स्टिल अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन, समथिंग इज लेफ्ट, सो फील फ्री टू राइट ऑन द कमेंट्स। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।